सलमान खान के फैंस के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। बुरी खबर इसलिए कहूंगा क्योंकि जैसा कि सलमान खान के फैंस ये अंदाजा लगा के बैठे थे कि इस फिल्म का पहला झलक हमको देखने को मिलेगा जवान के साथ यानी 7 सितंबर को, अब मुझे लग रहा है बहुत ही कम उम्मीद है कि इसका टीजर या फर्स्ट लुक देखने को मिले 7 तारीख को। ये 7 के बाद ही अब पॉसिबल हो सकता, उससे पहले नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मेन रीजन कोई और नहीं, प्रभास है। जी हाँ, प्रभास की मस्ट अवेटेड फिल्म सलार का ट्रेलर कंफर्म हो गया है और ये ट्रेलर जो है 2 मिनट 37 सेकंड का है जो कि रिलीज होने के लिए तैयार है और इसको रिलीज करने की प्लानिंग जो चल रही है वो 4 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में। लेकिन जहां तक अंदर से बात पता चली है कि सलार का जो ट्रेलर है वो अटैच किया जाएगा जवान के साथ, क्योंकि इसके प्रशांत नील जो डायरेक्टर है वो एटली कुमार से ये बात हुई है कि ये फिल्म का ट्रेलर जो है उसी दिन लॉन्च किया जाए यानी जवान के साथ। तो जाहिर सी बात, इतनी बड़ी फिल्म जब सलार का ट्रेलर उस दिन आएगा तो वाईआरएफ कभी नहीं चाहेगा कि टाइगर 3 का उस दिन अपना कुछ रिलीज करे, क्योंकि वाईआरएफ को पूरी उम्मीद टाइगर 3 पर है और वही वो नहीं चाहता कि टाइगर 3 का बस किसी तरीके से कम हो, तो इसलिए उस टाइम के लिए तो उसको पोस्टपोन करना ही पड़ेगा। बाद में वो रिलीज डेट कन्फर्म करेगा वो किस दिन रिलीज करता है अब टाइगर 3 को। लेकिन सलार ने आगे पूरी टाइगर 3 की वाट लगा दी है क्योंकि उसको रिलीज होने में भी कुछ दिन बचे हुए, सितंबर को सलार को रिलीज होना। अगर वाईआरएफ ने ये डिसीजन लिया है तो मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ ये डिसीजन बिल्कुल सही है। देखो यार, सलार को आप हल्के में नहीं ले सकते, प्रभास की स्टारडम भी जबरदस्त है, खतरनाक है, और वो भी फिल्म छोटी नहीं है, और टाइगर 3 को भी आप हल्के में नहीं ले सकते कि वो फिल्म इतनी छोटी है कि आप कभी भी एनी टाइम उसको कर दो। तो सलार का जिस दिन रिलीज होगा तो उसके साथ साथ अगर टाइगर 3 भी होगी और जवान उस दिन रिलीज हो रही है तो ये इफेक्ट पड़ेगा हर फिल्मों के ऊपर, थोड़ा थोड़ा हर चीज को लेकर। तो वाईआरएफ नहीं चाहता किसी तरीके का इफेक्ट जो है टाइगर 3 पे पड़े, तो इसलिए उसको मेरे ख्याल, मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, हो सकता है 7 तारीख को तो इम्पॉसिबल हो जाएगा टाइगर 3 के कुछ देखने को मिले, 7 के बाद कर सकते हैं लेकिन 7 तक तो नहीं, क्योंकि प्रभास की सलार जो है कंफर्म है कि 2 मिनट 37 सेकंड का ट्रेलर कंप्लीट हो गया है और ये 4 से 7 के बीच में रिलीज होना है। लेकिन मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ, देखो प्रभास का जो छोटा सा एक टीजर रिलीज हुआ था सलार का, जैसा कि आपको पता है उसमें अनवील नहीं किया गया है प्रभास का फेस, अब जाके अनवील होगा 2 मिनट 37 सेकंड में कि प्रभास की पूरे करेक्टर को बिल्डअप किया जाएगा, बताया जाएगा कि प्रभास इस फिल्म के अंदर है क्या, जो कि सलार मिस होता है कमांडर। बहरहाल अभी फिल्म को रिलीज होने में सिर्फ 14 दिन बचे हैं और 14 दिन पहले इसका ट्रेलर रिलीज किया जा रहा है, तो क्या टाइगर 3 का अगर अक्टूबर में ट्रेलर आएगा या टीजर आएगा तो क्या टाइगर 3 खराब होगा, क्या टाइगर 3 उसको पूरा नहीं कर पाएगी? मैं आपने से जानना चाहता हूँ कि अगर टाइगर 3 का अगर अक्टूबर में इसका ट्रेलर आएगा तो क्या ये टाइगर 3 पे कोई इफेक्ट पड़ेगा इसका?